हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये देखिए, आज मैं दिखा रही हूँ आपको, यह मेरा सुगंधराज का पौधा। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक सुगंधराज का पौधा रिपोर्ट की थी दोस्तों, और आपके साथ शेयर की थी, और आपके साथ ये मैं पुराना वाला भी पौधा शेयर की थी। तो आज मैं अपना ये दिखा रही हूँ कि देखिए आप, इसमें ये पुराना वाला ही पौधा है। इसके साथ मैंने क्या किया, जो इस तरह से बिल्कुल भी 2 साल से इसमें ना तो कलियाँ बन रही थी, ना पत्ती निकल रही थी, कुछ भी इसमें दोस्तों नहीं हो रहा था। और अब देख सकते हैं इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, और ये देखिए बारीक बारीक न्यू प्लांट, इसमें पत्ते भी निकल रहे हैं देखिए यहाँ से, और इसमें ना कली भी एक बनी हुई है। ये देखिए एक कली बनी हुई है, अभी ये पूरी तरह से फूला नहीं है, और न्यू पत्तियाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल शाइन पत्ती है इसमें ना, बिल्कुल भी पीलापन नहीं है, बिल्कुल नई नई पत्ती है। तो मैं ये काफ़ी टाइम आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी कि पूरा वो वाला जो रिपोर्ट की थी ना, वो पौधा तो दोस्तों मेरा ख़राब हो गया बिल्कुल, क्योंकि बंदर उसे जड़ से ही उखाड़ दिया था, तो इसी वजह से वो पौधा बिल्कुल ही ख़राब गया, सूख गया। उसमें पत्ती आने लगी थी इसी तरह से जैसे इसमें पत्ती आ रही है, थोड़ी छोटी ऐसे आने लगी थी, पर वो बंदर के उखाड़ने की वजह से वो ख़राब हो गया। और दूसरा अपडेट मैं देती हूँ, कड़ी पत्ता ये जो मैंने कट किया था यहाँ से, यहाँ पे से कट की थी, ये जो सारी पीली पीली पत्तियाँ हो गई थी कट कर दी थी, और ये देखिए इसमें ब्रांच इस तरह से निकल आई है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फुटाव आने लगे हैं, हर जगह से इसमें फुटाव आने लगे हैं देखिए। और ये देखिए दोस्तों, एक मैंने पौधा भी ख़रीदा है, एक नहीं खरीदे तो 2-3 हैं, पर ये मेरा पान का पौधा है, और इसे मैं सावन के महीने में ली हूँ, फर्स्ट टाइम लगाई हूँ, इसे रिपोर्ट कर दी हूँ। रिपोर्ट करने के बाद मैंने इसे छत पे ही रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है नहीं, बादल बादल रहता है, तो इसी वजह से कोई किसी टाइम धूप निकल आई तो निकल आई हल्की फुल्की, बाकी ये बादल ही रहता है। तो देखिए इसे कल ही मैंने रिपोर्ट किया, कल नहीं परसों रिपोर्ट की हूँ, और यहीं पे रख दी हूँ। और सावन के महीने में पान का पत्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है लेने के लिए। और वो है, और एक पौधा मैंने ये लिया है पर्सलिन का, ये सिंगल पैटर्न फूल आते हैं इसमें, बिल्कुल सिंगल में ही, ये वाला एक मैंने ये लिया है, और एक ये, इसमें कलर कौन सा आता है ये नहीं पता है, इसमें कली बनी हुई है, ये देखिए कौन से कलर का है ये तो अभी पता नहीं है, पर ले ली दो, ये अलग अलग कलर के हैं, ये सिंगल मतलब एकदम सिंगल पैटर्न फूल इसमें आते हैं, और इसमें तो पता नहीं अभी कि किस कलर का फूल आता है। तो ये 3 या 4 पौधे मैंने ख़रीदे थे, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और मैं कुछ और आप सभी के साथ अपडेट शेयर कर रही हूँ। और मैं दोस्तों ये देखिए, कुछ 15 या 20 दिन लगभग हो रहा होगा, और मैंने अपने मोगरा के पौधे में खाद दिए थे, और इसकी पत्तियाँ भी बहुत ख़राब सी थी, आपके साथ मैंने शेयर किया था, और आप देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा फूल आ रहे हैं, पूरी तरह से मोगरा का पौधा भरा हुआ है, कली से भी और फूलों से भी भरा हुआ है। तो खाद देने के बाद ये देखिए इस तरह से मेरा मोगरा का पौधा है, और सारे इसके पत्तियाँ भी अच्छी हो गई हैं, कोई भी इसमें खराबी नहीं आई है। और ये देखिए अपराजिता का भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल घना हो गया, आप देख सकते पूरे भर में ना अपराजिता फैल गया है बिल्कुल, ये देखिए यहाँ, इसमें भी मैंने हाँ खाद दिए थे, आपके साथ शेयर किए गए थे, और ये देखिए पूरा ये छत आदि मतलब पूरा कवर कर लिया है बिल्कुल, इसमें न्यू ग्रोथ सारी आने लगी है दोस्तों। ये देखिए अब मैं गुलाब के पौधे का भी अपडेट दे देती हूँ आप सभी को, कि गुलाब के पौधे मैंने राख अभी डाले थे हाल ही, बहुत ज़्यादा अभी दिन नहीं हुए, आप देख सकते हैं कोई भी कलियाँ यहाँ पे ख़राब नहीं हुई, और ये आप देख सकते हैं इसमें एक कली, आप देख कितने कली, 2 कली 3 कली 4 कली 5 कली, मतलब एक साथ कितनी राख देने के बाद इसमें एक साथ कितनी सारी कली आई है, और इसमें भी देखिए कली कितनी आ गई है इसमें भी, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ एक दो आई थी तो मैंने कट कर दिए हैं, और ये देखिए सब में बहुत अच्छी ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ भी नहीं हो रही थी ना दोस्तों, ये देखिए इसमें ग्रोथ भी चालू हो गई, नहीं बहुत अच्छा, ये देखिए फूल।
देखिए इसमें कितना अच्छा रेड कलर, जिसमें कलियां नहीं बन रही थी दोस्तों उनमें कलियां भी बन रही है, और जिसमें फूल नहीं खिल रहे थे उसमें फूल भी खिल रहे हैं। तो इस तरह से राख डालने का असर आप देख सकते हैं कैसा मतलब असर इसमें हो रहा है, अच्छी ग्रोथ में ले रहा है। और एक पौधा और दोस्तों, पौधा दोस्तों मैंने और लिया है सावन के महीने में, बहुत ही अच्छा पौधा है, बहुत ही शुभ माना जाता है, तो मैंने लिया है बेलपत्री का पौधा। ये देखिए इसे मैंने रिपोर्ट कर दिया है, कुछ टेढ़ा इधर से हो गया नीचे से, रिपोर्ट कर दी हूँ, मतलब कुछ दिन हुआ है, दो तीन दिन हो गया इसे मैं रिपोर्ट की, और आप देख सकते हैं इसमें न्यू पत्तियाँ देखिए आने लगी हैं इस तरह से। ये देखिए इसमें न्यू न्यू पत्तियाँ आने भी लगी हैं। तो ये भी पौधा दोस्तों सावन के महीने में मैं दो पौधे तो शुभ खरीदी हूँ, एक पान का पत्ता और एक की, बहुत ही अच्छा पौधा है और दोनों मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं और इसकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, कोई ख़राब नहीं हुई है। सिंगार में भी दोस्तों मैंने अभी हाल ही फ़िलहाल बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और पत्तियाँ देखिए आप एक पत्ती के बाद ये पत्ती कट कितनी मतलब फास्ट ग्रोथ कर रही है खाद देने के बाद में, देख सकते हैं सभी में इसी तरीके से है। तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा अपडेट देना था कि अगर मैंने खाद दिया है या लिक्विड फर्टिलाइज़र डाली हूँ या इसे रिपोर्टिंग की हूँ तो किस पोजीशन में है, अच्छा है फर्टिलाइज़र नहीं है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से डबल डबल ग्रोथ सारे पौधे में आने लगा है और कोई भी पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। दोस्तों गुड़हल का अपडेट मैं अभी नहीं दी हूँ क्योंकि उसमें अभी कलियाँ बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, इसमें फूल नहीं आ रहे थे तो अभी नहीं है, क्योंकि गुड़हल में कुछ टाइम दोस्तों लग ही जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने उसे खाद दिया है, तब मैं आपको अपने सदाबहार की अपडेट दे देती हूँ। तो ये सदाबहार इस समय सदाबहार दोस्तों अगर कहीं बारिश हो रही है तो वहाँ पर से बहुत ज़्यादा इसे बचाने की ज़रूरत है क्योंकि सदाबहार में पानी ओवर वाटरिंग की वजह से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और मेरा भी पौधा इसी तरह से हो गया था, ये देखिए यहाँ से तो मैंने कल इसे यहाँ पर से कट कर दिया है, ये देखिए यहाँ से सड़ने लगा था, बिल्कुल गल गया था ब्रांचेज की, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश भी हमारे यहाँ नहीं हो रही है, पर ये क्या है ना दोस्तों ये देखिए पौधे की ना ये मिट्टी काफ़ी दिन से सूख नहीं पा रही है, बादल बना रहता है, धूप ज़्यादा निकलती नहीं है तो इस वजह से, और इसकी पत्तियाँ इस समय इस तरह से थोड़ी बहुत ये देखिए फंगस की वजह से इस तरह से हो रही है, इसमें फंगस लग रहा है, तो इसमें हमें कोई ना कोई फंगीसाइड पाउडर का यूज करना पड़ चाहिए, ये देखिए इस तरह से पत्तियाँ हो रही हैं, तो मेरे सदाबहार में तो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, ये देखिए इस तरह, तो इसमें फंगीसाइड पाउडर मुझे डालना है, क्या डालना है ये वीडियो मैं आप सभी के साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। तो मैं आपको दिखा रही थी, छोटी सी दोस्तों अपडेट थी, काफ़ी टाइम से मैंने दिखाया नहीं था आपको, और जो पौधे मैंने लिए दो तीन पौधे लिए थे तो वो भी मैं आप सभी इसके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि एकदम से मैं पौधे नहीं लेती हूँ, ऐसे ही कुछ एक दो ही पौधे ले पाती हूँ। तो यहीं तक था दोस्तों वीडियो, और गुलाब पर भी मैंने काम किए थे, उसका भी कैसा रिजल्ट आया है ये भी आप सभी के साथ शेयर करना था, अपडेट देना था, तो इसी वजह से। तो अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, के लिए बाय बाय।